चिप्स खाओगे? नहीं नहीं, चिप्स खाओगे तो पैकेट वाला खाना, उनमें डेट पड़ गए बराबर, कुरकुरे उरकुरे वो भी नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे बताओ? परसों यहाँ पकड़ा गया, एक्सपायर था ठेले में, जो एकदम ठेले में हम लोग खाते ही ना, कल परसों जब पकड़ा गया ऐसे देख लिया। मुश्किल से इतना मेहनत करके, देखो मजदूरी करके दो पैसा कमा रहे हो, ऊपर से एक 5 रुपए के लिए आपको ना हजारों लगाने पड़ जाते हैं जिंदगी। आप हम खाते ही नहीं, नहीं खाओगे तो क्या कहना है लोगों को? क्या कहेंगे कि इस तरह से जो खुले में जो ठेलों का जो राज खुला है, अतिक्रमण हटाने आए थे गौशाला के लिए, गौशाला बनाने आए थे अधिकारी लोग, मगर यहाँ बन गया। यहाँ चिप्स खाएंगे सर आप? नहीं। कभी नहीं खाओगे ना? जिस तरह जो गली जा रही है ना, यही पकड़ा गया था वो चीज, जो राज था ना ये थे बस नकली, मतलब एक्सपायर चिप्स। देख रहे हो आप, ये जो चिप्स आप आ रहे हैं ये देखे, ये यहाँ पर हो रहा था गौशाला का निरीक्षण, गौशाला बनाना है, अतिक्रमण हटाने आए थे अधिकारी, और भाई हट गया यहाँ पर चिप्स। भाई बहुत अच्छी जानकारी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं अभी हूँ यहाँ उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर के राजपुरा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर गौशाला का कल विरोध हुआ था, और उसके साथ साथ आए थे यहाँ पर अतिक्रमण और गौशाला का निवारण करने, और हुआ कुछ दूसरा। यहाँ पर जो चिप्स, जो आप लोग चिप्स और लैस वगैरह कुरकुरे खाते हो ना, तो उस पर यहाँ पर बड़ी रेट पड़ी है। तो रेट किस तरह से पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपायर डेट थे नहीं थे, वो जो पैकेटें होती हैं 5 रुपए 10 रुपए की, उनको खोल के पूरा जमा करके उनको खुले में, जैसे इस तरीके से ये बॉक्स हैं और यहाँ पर ये ठेले हैं, इनमें भी अभी कोई चिप्स वगैरह पड़ा है, तो इसमें रख के ये बेचा जाता था, ऐसा कहना है लोगों का। अभी सैंपलिंग के लिए गया हुआ है, सैंपलिंग के बाद कैसी कार्रवाई होती है वो देखेंगे। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, आप कभी भी कोई सामान खुले में ना लें, पता नहीं एक्सपायर है क्या है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो। अगर आप पैकेट बंद भी ले रहे हैं तो उसमें जो एक्सपायर डेट होती है उसको जरूर पढ़ के ले लीजिएगा, नहीं तो आपके सेहत के साथ काम। जैसे ये किराए पे है क्या ये घर? अच्छा, मकान मालिक हुए। तो यहाँ पर जो एक्सपायर डेट था और चिप्स चिप्स खाली करा, उसके बाद बेचते थे तो किसने कंप्लेंट करी क्या? पता नहीं, वो तो ऐसे आए थे यहाँ पे। अच्छा, जो भी नकली चिप्स से होते हैं, कुरकुरे होते हैं जो एक्सपायर होता है, उनको खाली करके ठेले में, ये धान का काम, ये तो इनको पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, ये तो कहीं और से लाते होंगे ना? अच्छा, वहाँ जहाँ से लाते हैं वहाँ से भी पकड़ा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इनके ऊपर कार्रवाई हुई है क्या? कार्रवाई और बहुत लोग थे यहाँ पे आए थे। अच्छा, तो अभी ये तो घर पे हैं, इनको क्या बोला अभी कार्रवाई, जुर्माना वगैरह पड़ा क्या? क्या के बोलते हैं उसको, सैंपल बोलते हैं क्या? सैंपल क्या है? सैंपलिंग। तो उसके रिपोर्ट आएगी, फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अच्छा, अगर वो बता रहे थे, मैं बता रही थी अगर वो एक्सपायर होंगे तो। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूं। अच्छा, इन्हीं में काम करते थे? अच्छा अच्छा, आप लेबर हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आपको दिया है ये कमरा? अच्छा, तो यहाँ पर रहते? अच्छा, तो नकली चिप्स तो गाइस दे सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ये कमरा है। यहाँ पर ये लोग जो बाजार से एक्सपायर डेट का जो चिप्स कुरकुरा होता था, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये कुरकुरा पड़ा हुआ है और चिप्स पड़े हुए हैं। तो ये देखें, मैं यहाँ दिखाता हूँ जरा, ये देख लीजिए कुरकुरा पड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पर ना ये लोग पैकेट खाली करते थे, उसके बाद यहाँ से देखो तराजू वगैरह भी पड़ा है, तो तोल के ना उसको फिर खुले में ठेले में बेचते थे। तो यहाँ पर तगड़ी कार्रवाई हो रही है, अभी सैंपलिंग के लिए गया है, अब सैंपलिंग के बाद ही कार्रवाई होगी। तो अभी मैं थोड़ा सा अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर जो बगीचा है वहाँ पर जो काम चल रहा है उसी तरह से काम हो गया है। 2 दिन में यहाँ पर 2 दीवार खड़ी कर दी भाई ने, इतना तेजी से यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ये देख सकते हैं दीवार गौशाला की पूरी कर दी है, यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। और यहाँ पर जो चिप्स के ठेले थे ना, वो ये है भाई, ये था राज ठेलों का, ठेलों का जो राज था ना ये थे बस नकली, मतलब एक्सपायर चिप्स। देख रहे हो आप, ये जो चिप्स आप खा रहे हैं ये देखे, ये यहाँ पर हो रहा था गौशाला का निरीक्षण, गौशाला बनाना है, अतिक्रमण हटाने आए थे अधिकारी, और भाई हट गया यहाँ पर चिप्स। भाई बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर, क्योंकि ये देखो ये जितने ठेले हैं ना ये सब नकली चिप्स से बेचते थे, तो आप भी सावधान हो जाइए। ये देखिए ये जो चिप्स है, ये खाने से सावधान हो जाइए आप, कहीं नकली तो नहीं खा रहे हैं आप। तो यहाँ से अंदर को चल रहा, कैसे हो सर? चिप्स खाओगे? चिप्स खाओगे तो पैकेट वाला खाना, उनमें डेट पड़ गए बराबर, कुरकुरे उरकुरे वो भी नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे बताओ? परसों यहाँ पकड़ा गया था ना। अच्छा, एक्सपायर था? हाँ।
ठेले में जो एकदम ठेले में लगा रखे थे, जो आप खुले में सस्ते में ठेले में बेचते हैं वो आप कोई भी ले ही लेता है आप देख के ना, सस्ता भी रहता है। तो आप चिप्स कभी नहीं खाओगे खुले वाला? खुला वाला था हम लोग खाते ही ना, पकड़ा गया ऐसे। तो देखो यार लोग बात यार ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो आप लोग इतनी बड़ी मुश्किल से इतना मेहनत करके देखो मजदूरी करके दो पैसा कमा रहे हो, ऊपर से एक 5 रुपए के लिए आपको ना 1000 रुपए लगाने पड़ जाते हैं, जिंदगी दांव पे चली जाती है, है ना। एक एक्सपायर चिप्स खा के आपकी सेहत खराब हो। आप खाओगे सर चिप्स? खाओगे कभी नहीं? आप हम खाते ही नहीं, पहले नहीं खाओगे तो क्या कहना है लोगों को, क्या कहेंगे कि इस तरह से जो खुले में जो ठेलों का जो राज खुला है, अतिक्रमण हटाने आए थे गौशाला के लिए, गौशाला बनाने आए थे अधिकारी लोग, मगर यहाँ बन गया यहाँ चिप्स। समझ रहे हो इस तरीके से मतलब यहाँ पर दो नंबर का काम हो रहा है, एक्सपायर्ड है, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है शहर में। ये हल्द्वानी के लोग ही तो खा रहे होंगे, गलत है ना ये सब? अच्छा क्या कहना है आपका? बस गलत है, लोग अगर जो खुले में चिप्स देखेंगे तो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, आना आना जो कुछ संबंध में खरीदना चाहिए। अच्छा मिस्त्री साहब कैसे हो? बढ़िया। चिप्स खाएंगे सर आप? चिप्स नहीं, कभी नहीं खाओगे ना? जिस तरीके से इन लोग एक्सपायरी पता चला आपकी आंखों के सामने की बात है, कभी नहीं खाएंगे। नहीं। और दूसरों को भी बोलिएगा कि भाई खुला वाला सामान मत लीजिए, पैकेट बंद लीजिए, डेट देखिए तब लीजिए। और कैसा लगा काम? छुट्टी हुई नहीं हुई अभी खाने की? 1 बजे होता है। अच्छा 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 चलो ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़ारा है, मैं आगे को जरा दिखाता हूँ यहाँ पर। गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये जो राजपुरा का क्षेत्र है ना ये एरिया है, तो ये जो गली जा रही है ना यहीं पकड़ा गया था वो चिप्स, और बगीचा भी अंदर ही है, यहीं गौशाला बन रहा है, तो यहीं से गाड़ी से भर के गया था, एक गाड़ी पूरा पिकअप भर के यहाँ से चिप्स गया होता। ये एरिया है, यहाँ पर दुकानों के चौराह है, इस तरह से नज़ारा है यहाँ का राजपुरा का, और यहीं पर से अंदर बनाते थे चिप्स, एक्सपायर चिप्स, और यहीं से पकड़ा गया था, ये एरिया है। तो गाइज अभी राजपुरा से वीडियो समाप्त करते हैं, यहाँ पर अस्थाई गौशाला बनना तय हो चुका है, भारी विरोध होने के बाद भी यहाँ पर गौशाला बनेगा, कुछ समय के लिए बनेगा, उसके बाद ये गौशाला शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, यहाँ पर कुछ पार्क या कुछ और चीजें बनेंगी। तो यहाँ पर पहले वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, अब अस्थाई करके मेंशन करके बोर्ड लगा दिया गया है, क्योंकि लोगों के मन में भ्रम ना हो कि ये हमेशा के लिए। तो यहाँ पर चिप्स भी पकड़ा गया, एक बहुत अच्छा काम किया प्रशासन ने, बहुत ही बढ़िया काम किया, कि भाई नकली चिप्स खाएंगे बच्चे अच्छे खाएंगे तो बीमार होंगे, तो हम ही लोगों को नुकसान है। तो मैं वीडियो के माध्यम से यही बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी नकली चिप्स ना खाएं, जो खुले ठेलों में बिक रहे हैं वो बिल्कुल ना खाएं, और कोई भी चीज़ ले रहे हो तो एक्सपायर डेट ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर दो काम हो गया, एक पन दो काज हो गया, गौशाला भी बन गया और चिप्स जो नकली था वो भी पकड़ा गया है ना। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, जनता की क्या राय थी वो मैंने आपको बता ही दिया था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल में अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए। अभी बगीचे से लेते हैं अलविदा, अगर यहाँ पर जिस दिन गौशाला का ये होता है और कुछ यहाँ पर कार्रवाई होती है, जो भी यहाँ पर दरगाह है यहाँ पर ये कुछ टूटना है, तो अगर कुछ होता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय।